कैप्सिकम में काटूंगी अभी बारीक बारीक, और मेरी बहन ने बहुत जल्दी मुझे स्लो डाउन, ठीक है। चिकन जो थी उसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया, अभी मैं इसका चिकन में कुछ बनाऊंगी जिसमें मैं ऐड करूंगी प्याज और कैप्सिकम जिसको अभी मैंने काटना है बारीक बारीक, और साथ में मैंने मेरी बहन ने रात को ही जो चिप्स पोटैटोस थे यानी आलू था उसको अच्छे से काट के पानी में और विनीगर में भिगो के रख दिया था, जिसकी वजह से इसका कलर नहीं ख़राब हुआ और ना ही ये नरम पड़े है, बिल्कुल ठीक है। इसमें मैंने लगाया है मसाला जो कि थोड़ा सा ऑयल, पेपरिका, नमक और ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर लगाया है। अब मैं इसको एयर फ्रायर में रखूँगी पकने के लिए, और जब तक मेरा चिकन और आपको जैसे कि पता है मैंने हमस बनाया था ख़राब हो गया सॉरी हमस बनाया था तो इसके साथ हम खाएंगे, और हम मैंने मंगा ली है खुबस और उसके साथ खाएंगे। तो चलिए चलिए जी एयर फ्रायर हम में पहले हम फ्राइज रख देते हैं क्योंकि फ्राइज में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसमें पहले मैं डाल दूँगी हाफ डाल देती हूँ ताकि अच्छे अच्छे क्रिस्पी से बने। तो इसको हमने डाल दिया, इसको हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से ताकि ये लाइक क्रिस्पी हो जाए अच्छे अच्छे से, ठीक है। और फिर मैं इसको टर्न अराउंड कर दूँगी आफ्टर 5 मिनट, देन ये अच्छे से यानी क्रिस्पी हो जाएंगे दोनों साइड से। तो हमने अंदर रख दिया, इसमें हम मैंने डिग्री लगा दी 180 की, और अब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए रखूंगी एंड देन फिर मैं चेक करूँगी। तो ये चिकन की रेडी तैयारी करते हैं, हमारे फ्राइज जब तक रेडी हो रहे हैं इसमें मैं डाल दूंगी चिकन। तो ये अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 1 चम्मच के बराबर है, ये डाल देंगे और अब थोड़ा सा चिकन को भूनेंगे एंड देन फिर इसमें बाकी मसाले डालेंगे। तो चिकन को पहले अच्छे से भून लेंगे ताकि चिकन जो थोड़ी सी उबाल जाए। तो जी चिकन में आ गया है, ये देखिए वाइट वाइट लाइक इसका पानी आ गया। अब इसमें हम थोड़ा मसाले डालेंगे ताकि चिकन में अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो इसमें हम डालेंगे पहले पेपरिका, ओके हमने डाला पेपरिका, फिर इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ये वाला मायोनीस, इसमें दही डालती है, दही डालने का मैं सोचती थी लेकिन दही नहीं है, तो इसमें अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर और फ्लेवर डालने के लिए मैं ये वाला मायोनीस इसमें ऐड करती हूँ। तकरीबन 2 चम्मच के हिसाब से हम इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें माइनस क्यों डाली, माइनस नहीं डालनी चाहिए, लेकिन मैंने तो ये सोचा कि नहीं डालनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा चलो अच्छा से एक फ्लेवर आ जाएगा और नई चीज़ ट्राई करने में क्या ज़्यादा। जी हमारे फ्राइज हो गए हैं 10 मिनट इसको हो गए हैं, और देखिए कितने अच्छे फ्राइज हो गए हैं ये लोग, लेकिन मैं इसको थोड़ा टर्न करूँगी और इसको फिर 10 मिनट के लिए रखूँगी ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब ये क्रिस्पी नहीं हुए हैं लेकिन हाँ अच्छे से पक चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं घुमा दूँगी ऊपर नीचे ताकि यार एक गलत करिए, हाँ इसको भी कर दिया हो। चलो अब ये 10 मिनट करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अभी देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, और 10 मिनट के बाद में भी अच्छे से पक गया। तो जी जब चिकन ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया था और मसाला अच्छे से भून गया था, तो मैंने इसमें सारे वेजिटेबल ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी ताकि जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से फ्लेवर मसालेदार हो जाए, सीधी बात है इंग्लिश का लफ्ज़ ही नहीं निकल रहा मेरे मुँह से, मसालेदार हो जाए, और फिर हम इसको निकालेंगे और फिर इंजॉय करेंगे। चाय भी साथ साथ बन रही है और बाकी चीज़ें भी रेडी हो रही है। ये एयर फ्रायर जो चिकन है वो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देखिए इसमें ऑयल भी आ गया है और ये रेडी हो गई है। साथ में मैं थोड़े से बैगन जो है वो फ्राई कर रही हूँ क्योंकि वो हम उसके साथ काफ़ी अच्छा लगता है, और चाय कैसे नाश्ते में हम बोल सकते हैं। तो जी फ्राइज हमारे रेडी हो गए, आप इसको हम निकाल लेते हैं क्लिप में, ठीक है ये क्लिप क्या बाहर निकाला एंड क्रिस्पीनेस चेक कर रहे हैं।
बाकी मैं और भी बना ले रही हूँ। ये नाश्ता हमारा रेडी हो गया है, फ्राइज हमारे बन गए हैं, जो बैगन थे वो भी फ्राई हो गए हैं, ये हम्मोस, हमारा सालन जो कि बहुत टेस्टी और मज़ेदार बना है, और ये रही हमारी हुबस जो कि है रोटी जिसको पीटा ब्रेड भी कहते हैं, एंड चटनी है, मायोनीज रखा है, और ये भाई लेकर आया था सुबह न्यू, लाइक इन लोगों ने इन्वेंट किया है अलबेक वालों ने, न्यू नगेट्स निकाले हैं तो वो लेकर आया था, वो खाएंगे और अब हम अपने नाश्ते को इन्जॉय करेंगे। चाय बन रही है, बस चाय लेकर आते हैं। वाला एलिक्स इतना प्यारा हो गया है, जब छोटा सा था ना इसके इतने लंबे लंबे बाल नहीं थे, लेकिन अब इसके इतने प्यारे प्यारे लंबे लंबे बाल आ गए, लेकिन इसके ना लाइक नोट्स बहुत सारी बन जाती है, तो मैं अभी काटती हूँ ये सब, और ये बहुत ज़्यादा लविंग और क्यूट हो गया है, पर ये छोटा है लाइक मतलब हाइट में ना छोटी विलियम टाइप नहीं होता उस क्या कहते हैं उस कॉम से ये बिलोंग करता है, यानी जो हमारी स्पॉटी है ना वो भी छोटी थिंगनी कॉम से है और ये भी थिंगनी कॉम से है, हालांकि इसका जो फादर है यानी इसका पापा वो काफ़ी बड़ा बिल्ला है, पर ये नहीं गया उस पर, इसका जो दूसरा भाई है ना वो गया है हरमेश अपने पापा पे, ये अपनी मम्मा पे गया, तो क्यूट हो रहा है मशीन। कितने महीने के हैं मम्मा ये लोग? कितने महीने का मम्मा एलेक्स? लड़ाई होती रहती है, और बेबी के और अलाय की फ्रेंडशिप है, वो देखो भाग गया बेबी। बेबी बेबी तो अभी की कोई खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि प्लेस्टेशन काफ़ी टाइम से आदि ने खेला नहीं था और अब इसको खेलने को मिल रहा है। जी मैं बच्चों को लेके इस रूम में बैठ गई, रूम सबसे गंदा और ख़राब रहता है, इसकी वजह से बच्चों को मैंने यहीं पर ले आई हूँ, और आदि को खेलनी है गेम, गाड़ी वाली खेलनी है, तो मैं अभी डाउनलोड कर रही हूँ प्ले स्टोर से, और ये बच्चे यहाँ घूम मचा रहे हैं आदि। हाँ गाड़ी गाड़ी हाँ अभी गाड़ी वाली गेम करेंगे। अलाया चेक करें आप अलाया की मस्ती है। अलाया वाह यू शॉटिंग ओके ओके गाड़ी अभी लगाएंगे, और ये बेबी को देखो बेबी कितना क्यूट है, और या उम्र कितना अच्छा बीती है बेबी। तो जी हमारे बच्चे पश्तो उर्दू अरबी और इंग्लिश मिक्स करके अपनी ही बोली बोलते हैं, इसकी वजह से इनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि हमारे जाहिद भाई पश्तो में बात करते हैं इनसे, हम सब उर्दू में बात करते हैं, कार्टून ये इंग्लिश देखते हैं, बाहर ये अरबी लोगों को सुनते हैं, तो काफ़ी इनको प्रॉब्लम होती है। आदि आपने क्या कह रहा, मैं आपको गेम में आकर देती हूँ अच्छी बेबी।
जब भी इसकी मैं वीडियो बनाने लगती है भाग जाता है, अभी बोलता है तो मुझे फूर है भाग गया क्या? देखना देखना दीदी खेलेगा गेम एपेक्स क्योंकि आदि की गेम अभी डाउनलोड हो रही है, आदि चारा में ही नहीं खेलना बीबी ही बीबी एपेक्स एपेक्स। तो जी मैं बच्चों के लिए फ्राइज बनाई थी, उनको भूख लगी है और थोड़ी सी उनके लिए मछली भी तल रही है खाने के लिए और अपने रूटीन के लिए बहुत खुश हो गया। तो हम बनाते हैं क्या बन रहा है बोलो, इतने वीडियो ऑन होते ही आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? ड्रामे बाद हो तुम लोग, वीडियो के सामने तो कुछ बोलना ही नहीं है इनको, वैसे पटर पटर बोलते रहते हैं। आदि 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 नहीं करो, आदि नहीं करो, आदि अभी भी क्या बन रहा है? ये देखिए कैसे पकड़ के खड़े हुए हैं, कि ये पकड़ के रखेंगे तो ये सही बनेगा। हाँ ये चिप्स है, चिप्स क्या है बीबी? आदि ये क्या बन रहा है? ये शार्क है, हम शार्क खाएंगे। आदि शार्क खाएगा ना? आदि को शार्क पसंद है ना? आदि शार्क खाएगा। मैं साथ में थोड़े से चावल बना रही हूँ ताकि मैं भूख लगी। वो मैंने वैसे बनाया था आलू और मेथी का सालन, पर मेरा वो दिन नहीं चाह रहा खाने का। टेस्टी बनाए खाया मैंने पर मुझे मछली ज़्यादा। तो जी एक और टिप मैं आप लोगों को दे दूँ कि मछली कभी भी आप स्लो आँच पे यानी धीमी आँच पे नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जो मछली अगर आपको भी क्रिस्पी और क्रंची पसंद है तो फिर उसको हाई फ्लेम में बनाएं, बस खड़े रह के उसको देखते रहें कि मछली जल्दी। बोलो उमर नानू को, बोलो गुड। हमारे घर का लाइक किचन का जो एग्जॉस्ट है वो ख़राब हो गया, पापा ठीक करे तो ये कह रहे नानू गुड गुड नानू गुड। पापा क्या वीडियो को तो ऐसे शर्माते जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। वाह चल गया, गुड बोलो नानू को, नानू गुड गुड नानू। हेलो इश्मा, नो सॉरी सॉरी इश्मा, आयमा 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 आयमा, या आयमा जो छोटी सी थी इतनी बड़ी हो गई, इसकी वीडियो भी मेरे में। या आई एम मेकिंग फॉर माय चैनल, से हाय, से हाय टू माय सब्सक्राइबर। आई एम मेकअप Makeups? Yes. Do you know how to do makeup? Yeah, me, only me. Okay. Me too. Okay, okay. I must sing a song, Money. No, just Money. 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 Say la, listen. This is la. Do it, do it. Okay, I need to go. Bye bye. Y no te voy a negar. I'm gonna see you in the sound of the fall and sand.
डांस करने के लिए उसने रिश्वत लिया लिपस्टिक. Now let's go dance. Yo, she's still here. Yeah, she's still here. Okay. जी वीडियो का बस मैं यहीं पर एंड करती हूँ. आज काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी मस्तियाँ की, काफ़ी मज़ा आया. बस मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में. जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. लालिका बाय.